प्रॉब्लम नंबर सिक्स, प्राइस लेवल चेंजेस में प्रॉब्लम नंबर सिक्स मैं कराऊंगा। थोड़े प्रॉब्लम तुम लोग कोशिश कर लो। एक्सप्लेन एन असर्टेन नेट मॉनिटरी रिजल्ट एट 2000 एंड फ्रॉम अंडर मेंशन डाटा। 2000 स्टार्टिंग ईयर, 2000 एंडिंग ईयर, मतलब जनवरी दिसंबर हो सकता। बैंक अकाउंट का बैलेंस है साल के शुरू में 2000, फिर 3000, फिर अकाउंट रिसीवेबल है 10000, 12000, अकाउंट पेबल है 15000, 10000, और साल के शुरू में इंडेक्स 100 है, एंड में 200 है, और बीचों बीच 160 है एवरेज। तो ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना, क्या करना, मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। तो करना क्या है, सबसे पहले बैंक का डिटेल मालूम करेंगे। एट द बिगिनिंग पहले बिगिनिंग में देखो इसकी वैल्यू क्या थी 2000 बिगिनिंग में। फिर कन्वर्शन फैक्टर मतलब इनटू 200, साल का आखिरी का इंडेक्स 200 है और ये बिगिनिंग वाला इंडेक्स लगाना यानी कि 100, तो इसका सीपीपी वैल्यू क्या आएगा 4000। फिर ये जो बैंक की वैल्यू है 2000 से 3000 हो गई, यानी कि साल के दरमियान 1000 बढ़ गई, तो वो ऐड करना, ऐड एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कितना बढ़ा, 1000 बढ़ा, इनटू 200 डिवाइडेड बाय एवरेज लगाना, एवरेज क्या है 160, तो ये क्या होगा 1250। तो इसकी टोटल वैल्यू हो गई देखो 5250। इसमें से क्या करना, लेस एट द एंड, एंड की वैल्यू लेस कर लेना। एंड की वैल्यू क्या थी 3000, यानी कि बैंक से जो है 2250 का मॉनिटरी लॉस आया। एसेट अगर कभी एसेट का वैल्यू जब कर रहे और प्लस में आ रहा तो ये लॉस समझना, समझे, क्योंकि बिगिनिंग वैल्यू ज़्यादा थी, ईयर ड्यूरिंग द ईयर वैल्यू भी बहुत बढ़ गई, तो साल के आखिरी में जो वैल्यू है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम है इसका मतलब ये हमें मॉनिटरी लॉस है, तो ये लॉस है। नेक्स्ट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल एट द बिगिनिंग अकाउंट रिसीवेबल का वैल्यू है 10000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, बिगिनिंग वाला लगाना, तो ये वैल्यू क्या होंगी 20000, डबल हो जाएंगी। फिर ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल वैल्यू क्या थी 10000 से 12 हो गई, यानी कि 2000 बढ़ गई, इंटू 200 डिवाइडेड बाई 160 क्या होगा, ये 2500 प्लस करने पर 22500। एट द एंड वैल्यू क्या है, एट द एंड वैल्यू देखिए 12000 है, यानी कि मॉनिटरी लॉस हमें आया है 10500 रुपये का, 10500 का मॉनिटरी लॉस है ये भी। फिर नंबर तीन पर लायबिलिटी है अकाउंट पेबल एट द बिगिनिंग अकाउंट पेबल है 15000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 30000, डबल हो जाएगा। फिर ड्यूरिंग द ईयर ये बढ़ा नहीं, कम हुआ, तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी आएगा आप लेस करेंगे क्योंकि डिक्रीज हुआ, ये 15000 से 10000 हो गया, तो डिक्रीज हो गया, तो 5000 डिक्रीज हो गया
इंटू 200 डिवाइडेड बाई 160 कितना 10,000 नहीं गलत है 10,000 नहीं होता 6,250 तो ये 6,250 लेस करने पर क्या होगा 30,000 में से 23,750 एट द एंड वैल्यू कितनी है देखिए एट द एंड वैल्यू है 10,000 मतलब 13,750 ये है गेन अगर लायबिलिटी प्लस में आती है तो गेन समझना अब टोटल मॉनिटरी लॉस या टोटल मॉनिटरी गेन क्या हुआ अपन चेक करेंगे टोटल मॉनिटरी लॉस आता है या गेन आता है चेक करेंगे मॉनिटरी गेन या मॉनिटरी लॉस आया क्या आया हम चेक कर लेंगे अभी फिलहाल सबसे पहले तो बैंक से लॉस आया 2,250 का फिर अकाउंट रिसीवेबल से भी लॉस आया 10,500 का टोटल लॉस हो गया 12,750 जिसमें से अकाउंट पेबल का गेन आया 13,750 यानी कि टोटल 1,000 का गेन आया यह है मॉनिटरी गेन आया बस ये इसका आंसर है